गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन दिस इज मी शाइनी। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रैंडम थिंग्स जो मैंने अमेज़न से बाय किया है एंड क्या वो वर्थ बाय है या फिर वो सब फेल है, तो इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेस किया है, ऐसा नहीं कि सारे मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कुछ रैंडम चीज़ें भी परचेस किया है ये चेक करने के लिए कि amazon.in पर क्या वो सब चीज़ें अच्छा मिलता है कि नहीं, ताकि आप सबको हेल्प हो। डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हम सबको यूज़ करना होता है सभी मैंने परचेस किया है लगभग। सो पहला जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली एक मेकअप प्रोडक्ट है, विच इज़ दिस आई लैश कर्लर। एंड मैं काफ़ी दिनों से आई लैश कर्लर बाय करना चाहती थी एंड इसका जो ओपनिंग सिस्टम है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। सो दैट्स वाई ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड इसका जो इफेक्ट है वो आप लोग देख ही सकते हैं कि एकदम ह्यूज डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि मेरी जिस आई पर मैंने इसे कर्ल किया है उसकी जो आई लैशेस है वो एकदम लिफ्ट हो चुकी है एंड एज कम्पेयर टू दी अदर वन। सो मैं इसे बहुत ही पसंद करती हूँ। आप मस्कारा अप्लाई करें ना या ना करें, आप ऐसे आई लैश कलर से अपने आई लैशेस को कर्ल जरूर कर सकते हैं, उसे एक अलग सा डिफरेंस भी नजर आएगा। सो ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से तो एकदम पास है। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो कोई मेकअप या स्किन केयर आइटम नहीं है, वो एक्चुअली एक डेली लाइफ के लिए है, विच इज दिस टिफिन बॉक्स। एक्चुअली ये एक लंच बॉक्स है, तो इसके साथ एक बैग भी मुझे रिसीव हुआ है। ये ह्यूज है एंड ये मेरा बेस्ट बाय है फ्रॉम अमेज़न आई वुड से, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है दैट्स सुपर्ब। ऑफिस में आप इसे ले जा सकते हैं, आप इसे कहीं पर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन पर अगर खाना चाहिए या फिर कुछ पिकनिक वगैरह पर भी आप इसे ज़रूर लेकर जा सकते हैं। मैं बेसिकली अपनी यूनिवर्सिटी लेकर जाती हूँ बिकॉज यू ऑल नो कि आई एम अ स्टूडेंट। सो दिस वन इज़ वेरी हैंडी प्रोडक्ट एंड इसके साथ एक बेल्ट भी रिसीव होता है, सो इसको मैं एडजस्ट भी कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई नीड। सो इसका कलर बहुत ही क्लासी है एंड व्हेन यू ओपन दिस चेन इसके अंदर आपको मिलेगा 4 स्टील टिफिन बॉक्सेस। ये एकदम वो एयर टाइट रहेगा इसके अंदर, एज यू गाइस कैन सी कि ये बिल्कुल एयर टाइट रहेगा जो खाना है एंड खाना गर्म रहेगा जस्ट बिकॉज डबल वॉल्ड है। ये जो वॉल है ना टिफिन बॉक्स का, ये डबल है, दैट्स वाई खाना जो है वो एकदम गर्म रहेगा। एंड आई हैव पर्सनली यूज दिस फॉर 1 या 2 वीक्स एंड मैं तो फैन बन गई हूँ इस लंच बॉक्स सेट का। इसमें आपको 4 ऐसे टिफिन बॉक्स मिलेगा, 2 थोड़े से छोटे हैं साइज में एंड 2 थोड़े से बड़े हैं। एंड उसके साथ आपको एक स्पून भी रिसीव होता है स्टील एंड दीज आर ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी। मुझे इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था इस प्रोडक्ट के ऊपर, बट आई थिंक दिस इज वेरी ग्रेट परचेज। ये जब आया उसके बाद, मैंने जब इसे इस्तेमाल किया उसके बाद, आई जस्ट लव द प्रोडक्ट एंड यू गेट दिस वन ऑल्सो फ्री विद दिस वन, ताकि आप जहाँ पर खा रहे हैं यू नो वो जगह डर्टी ना हो। एक्चुअली ये लंच बॉक्स है फ्रॉम द ब्रांड नैनो 9। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये वाला ब्रांड ट्राई कर सकते हैं एज आई एम परचेजिंग लंच बॉक्सेस एंड मैंने काफी सुना था इस ब्रांड के बारे में एंड काफी अफोर्डेबल रेट में भी मुझे मिल रहा था। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो खाना गर्म रहता है, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर्स है। ये जो बैग है ये काफ़ी क्लासी है, कलर यूनिसेक्स है, ये मैन वुमेन एवरीवन इनफैक्ट चिल्ड्रन कैन यूज दिस बॉक्स एंड इसके साथ एक बेल्ट भी रिसीव होता है। सो अगर आप नैनो 9 ब्रांड के ये लंच बॉक्सेस ट्राई करना चाहते हैं फ्रॉम अमेज़न, जस्ट बिकॉज की ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है, अमेज़न पर इजीली अवेलेबल है एंड यू कैन गिव दिस लंच बॉक्सेस ऑन बर्थडे पार्टीज या वेडिंग पार्टीज में भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल पास है। सो नेक्स्ट जो रैंडम प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो है दीज फेशियल रेजर्स। एक्चुअली ये जो रेजर्स है मैंने पहले भी परचेस किया था, दैट ऑल्सो फ्रॉम नाइका, लेकिन अमेजन पर बहुत ही चीपर रेट्स में मिल रहे थे मुझे। सो मुझे लगा लेट्स ट्राई इट, आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू भी मैं शेयर कर पाऊंगी। सो जो नाइका से मैंने परचेस किया था वो टिंकल रेजर्स थे, ये भी टिंकल लिखा था बट दीज आर नॉट दैट क्वालिटी, मुझे उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं लगा। इसके साथ 2 और कलर्स के रेजर्स थे, एक येलो था एक ब्लू था, जैसे टिंकल के आईब्रो रेजर्स में मिलते। इसका जो काम है वो डेफिनेटली ये करता है, तो अगर आपको क्वालिटी इश्यूज नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली परचेस। लेकिन वो जो रेजर्स मुझे रिसीव हुए हैं वो टिंकल रेजर्स नहीं थे, बट ऑन वेबसाइट इट वाज शोइंग कि वो टिंकल रेजर्स थे। सो मेरी तरफ से तो ये एक ओके परचेज है। तो अगर आप लोग जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं देन आई विल सजेस्ट कि आप नाइका से ही परचेज कीजिए, आप अमेज़न से ये वाला परचेज मत कीजिए बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू जेन्युइन प्रोडक्ट।
सो नेक्स्ट जो रैंडम प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है दैट इज दिस टिश्यू पेपर बॉक्स. एंड यू नो आजकल कोरोना वायरस की वजह से टिश्यू पेपर सैनिटाइजर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में. ये टिश्यू पेपर बॉक्स, फुल टिश्यू पेपर बॉक्स मुझे अफोर्डेबल रेट में मिल गया है, काफी अफोर्डेबल रेट में. एंड इसमें आपको 150 पुल्स मिलेगा. एंड ये जो टिश्यू पेपर की क्वालिटी है दैट्स वेरी क्लासी, जस्ट बिकॉज की ये नॉर्मल टिश्यू पेपर की तरह नहीं है. दीज आर जस्ट लाइक हैंकीज. As you can see, ये पूरा हैंकी जैसा दिखता है एंड इसमें 150 आपको मिलेगा इतनी अफोर्डेबल रेट में. मैं हमेशा इसे अपने पर्स में कैरी करती हूँ. सो आई थिंक ये भी बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है स्पेशली दीज डेज. सो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. ये थोड़ा सा अलग सा वीडियो मैंने ट्राई किया है. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए. वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. आज का वीडियो यहाँ तक ही था. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय बाय.